बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जो वेलकम करती हूँ आप सबको जो न्यू हमारे चैनल पे, वेलकम। तो अभी जो है जी, हम लोग जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं क्रूज़ ट्रिप की, यानी स्टॉकहोम टू फिनलैंड। तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं लेनी थी, क्योंकि बस एक ही दिन का ट्रिप होगा। फिनलैंड उतरेंगे और 6 घंटों के बाद दोबारा से स्टॉकहोम आएंगे। तो उसके लिए जी हमने सोचा कि कुछ चीज़ें ली जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी मिलेंगी लेकिन यहाँ से लेकर जाना बेहतर होगा। तो मैंने जो है वो खाना भी बनाया, यानी कि कुछ सीख कबाब और बिरयानी, और ये कुछ चीज़ें ली हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही यमी सी बिरयानी, बीफ बिरयानी बनाई है। तो वहाँ पे जैसे कि हलाल हमें नहीं मिलेगा, तो हलाल के चक्कर में होते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है, देसी और मुस्लिम्स। तो वो चीज़ जो है हमें देखनी पड़ती है, बच्चों के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो वो सारी पैकिंग हो गई हमारी कंप्लीट, और अभी हम लोग जी निकल चुके हैं और हम जो है जाएंगे, तकरीबन 3 बज रहे हैं अभी दोपहर के। और उसके बाद जो है जो जहाज़ है वो 5 बजे जो है वो वहाँ से निकलेगा। तो बुकिंग हमने करवा ली है, रूम्स बुक करवा ली हैं, और आजकल जो है जी शान के अंकल भी आए हुए हैं यूके से, तो वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी साथ हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, व्लॉग एक्साइटेड और बहुत ही ज़बरदस्त सा होने वाला है। तो जी अभी हम लोग निकल चुके हैं, बच्चे बहुत ही खुश हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम क्रूज़ ट्रिप के जो है जा रहे हैं, और मेरा भी ये फ़र्स्ट ट्रिप होगा क्रूज़ में, स्टॉकहोम टू फिनलैंड। तो हम लोग फिनलैंड पे उतरेंगे भी और थोड़ा सा फिनलैंड भी घूमेंगे, जितने घंटे हमारे पास जो है वो टाइम होगा। तो ये देखें जी अभी मौसम भी ज़बरदस्त, सूरज निकला हुआ है स्टॉकहोम में। लेट्स सी के फिनलैंड का जो है मौसम कैसा होगा, तो वो जो है पता चलेगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। अदरवाइज़ वैसे भी हम लोग देख सकते हैं वेदर रिपोर्ट के थ्रू, बट वहाँ देखने का अपना ही जो है मज़ा होगा। लेकिन आज स्टॉकहोम में 5 सेंटीग्रेड है यानी प्लस, तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त और सूटेबल हो रहा था। तो हमने सोचा ये जो है वो ट्रिप किया जाए। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड के भाई भी आए हुए हैं, तो वो भी इंजॉय करेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा साथ में, बच्चे और उनके चाचू। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो इतने हमारे यहाँ पर है नहीं स्वीडन में रिलेटिव्स, लेकिन कोई भी हमारा आता है कहीं से भी तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ा आता है घूमने का। और वैसे भी 2-3 फैमिलीज़ हों तो अपना ही जो है वो मज़ा होता है। तो जी यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और अनमता स्ट्रॉलर पर बैठ रही है, जबकि स्ट्रॉलर हम लोग लेकर आए हैं अनाया के लिए, लेकिन अनमता कह रही है नहीं, स्ट्रॉलर पर मैं ही बैठूँगी। तो वो जो है भाई अनाया से छोटी हो गई है अभी, तो ये होता है, ये एज ऐसी है 3 ईयर्स में अच्छे खासे बच्चे जो हैं वो ज़िद करते हैं। तो यहाँ पे भी अनाया नमता जो है वो ज़िद में लगी हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम लोग कर रहे हैं चेक, तो हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर, वो अभी चेक इन कर रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जो है वो कर रहे थे, और ये ऑटोमेटिक चेक इन पासिस हम ले रहे थे यहाँ से, वो निकलेंगे यहाँ से, वो हमने लिए। और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, यानी कि अंदर की साइड की चेक इन करके। और ये मैं आपको दिखाऊं विंडोज से, बहुत सारी जो है गाड़ियां भी हैं जो कि जो बोट है उसके अंदर जो है वो जा रही थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ी सी बोट है, मैं आपको बताऊं उसमें 12 फ्लोर हैं, और हमारा जो रूम है वो हमने बुक किया है वो 9 फ्लोर पे है। तो आपको चलते हैं और वो भी दिखाते हैं, बहुत ही एक्साइटेड और मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गो। और यहाँ से ये देखें जी, यहाँ से ये सारी मशीन्स लगी हुई हैं, इनके थ्रू जो है हम लोग चेक इन करेंगे। बस कार्ड आपने क्या करना है कि स्कैन करना है, तो अभी मैं जाऊँगी और इसको करूँगी यहाँ पर स्कैन। तो ये देखें जी, इसको स्कैन करेंगे और ये आपको ग्रीन लाइट शो करेगा, और सॉरी मैं उल्टा लगा रही थी, अभी सही हो गया, ये ग्रीन हो गया। तो अभी अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ बोट के, बोट जो है वो कैसी है। ये देखें जी, बिल्कुल वही जैसे आपने कभी टाइटैनिक देखा होगा फिल्म में, तो वही
सेम वही जहाज है, मुझे तो लग रहा है उससे भी बड़ा है। तो इसमें जो है चढ़ेंगे और ये देखें, ये मैं क्लोज करके आपके लिए मैंने जो है व्लॉग में कवर किया है कि ये देखें किस तरीके से बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं जी इसमें जा रहे थे। तो अभी हम लोग जो है इन होंगे जहाज़ के अंदर और सिक्योरिटी फुल है, सारी जो है सिक्योरिटी अलर्ट है, क्योंकि हर जगह जाहिर सी बात है जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे होते हैं वैसा ही सेम सिस्टम है, वही जैसे आप इंटर्ड होते हैं जैसे एयर होस्टेसेस आपको वेलकम करती हैं, तो यहाँ पे भी हमें वेलकम करने के लिए जो है वो जहाज़ में फ्रंट पे खड़ी थी जैसे एयर होस्टेस होती हैं। तो ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त लगा, जैसे ही हम लोग इन हुए जैसे हम लोग किसी मॉल में इन हो रहे हों, मुझे तो ऐसा लगा, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। तो जी ये हमारा फर्स्ट डे है जैसे कि मैंने कहा, फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट डे का भी दिखाएंगे। तो ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। और जी हम लिफ्ट के थ्रू जो है वो आ चुके हैं ऊपर, यानी कि 9th फ्लोर, और यहाँ पे है जी शान और उनके अंकल का रूम। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, रूम कुछ इस तरीके के हैं, और ये देखें ये खूबसूरत सी पेंटिंग्स और 2 बेड्स हैं इनके, ये लगे हुए हैं, फोल्डेड हैं, इनको जो है ये सीधा करेंगे तो फिर जब सोएंगे तो उस टाइम पे इनको जो है सीधा कर लेंगे। और ये फ़ोन भी रखा हुआ है, उसके अलावा टीवी भी है, और ये ड्रेसिंग टेबल भी है, और इसके नीचे जो है वो ड्रेसिंग के साथ साथ जो स्टूल होता है सिटिंग स्टूल वो भी रखा हुआ है स्पेशली जी फीमेल्स के लिए, ज़बरदस्त ये आराम से सुकून से बैठ के मेकअप कर सकें। और जी यहाँ पे ज़बरदस्त सा वॉशरूम भी है, और ये रूम्स जो हैं काफ़ी अच्छे और 2 लोगों के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है, छोटा सा वॉशरूम और सिंक। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि पानी के जो ग्लास हैं वो भी यहाँ पे जी मौजूद हैं, ये हैंड वॉश है। तो मेरे ख्याल से तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हुई हैं। तो जी नेक्स्ट रूम हमारा है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा रूम कैसा है। हमारा रूम भी सेम है, लेकिन यहाँ पे इस रूम में जो है 4 बेड्स हैं, बाकी वही सेम है जो मैंने आपको दिखाया। चिप्स दे तो पापा, चिप्स मिली वी पापा।
और जी यहाँ पे इन्होंने जो है वो ग्लास भी रखे हुए हैं, कोई 8-10 ग्लास हैं कि यहाँ से जो है ईजीली आप पानी भी पी सकते हैं, ये पानी साफ़ है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है कि ये हर जगह जो है जहाँ पे पानी पीने की सहूलत होती है, यानी पानी हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ग्लास भी होते हैं। और ये मैं आपको दिखाऊं जी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है कि 10th फ्लोर पे क्या है, 9th फ्लोर पे क्या है। ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगी कि जो लिफ्ट्स हैं उनमें सारी इंफॉर्मेशन है कि इस फ्लोर पे ये है, इस फ्लोर पे ये है और इस फ्लोर पे ये है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। आपको जहाँ जाना है बस इस उसको क्लिक करें, नंबर को, बटन को, और वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो ये मैंने सोचा कि ये ज़बरदस्त चीज़ है, ये शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। और उसके अलावा जी हम लोग गए, ये एक जो है वो रेस्टोरेंट सा बना हुआ है और यहाँ पे एक स्टेज भी था जहाँ पे अनमता और अन्नाया ने जो बहुत ही इन्जॉय किया। यहाँ पे जो है वो म्यूजिकल नाइट्स होती हैं और काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं, और मोस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि जो लोग इन्जॉय करते हैं यहाँ पे आके बैठते हैं, लोगों की रश होती है। तो वो अभी शुरू होगा थोड़ी देर में म्यूज़िकल यहाँ पे नाइट, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे कितनी रश है, बहुत ही लोग जो है वो इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे लोग जो है ना ज़्यादातर लाइफ को इसी तरीके से इन्जॉय करते हैं, म्यूज़िक जो है नाइट्स वो में जाके, और ये इनका जो है अपना स्टाइल है। तो ये देखें जी, यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो एक ये भी शॉप है जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी परफ्यूम्स की, तो वो हमने सिर्फ अभी देखी क्योंकि अनमता और अनाया को जो है वो आ रही थी नींद और काफ़ी देर हो चुकी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि सुबह में आके इसको विज़िट करेंगे और एक दो परफ्यूम जो है यहाँ से लेंगे, क्योंकि आए हैं जाहिर सी बात है तो एक दो चीज़ लेना तो बनती है, और मैं तो ज़रूर लूँगी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे परफ्यूम लेकर दें, तो लेट्स सी, उन्होंने कहा है, प्रॉमिस किया है सुबह में इंशाल्लाह जो है लेकर दूंगा। तो देखते हैं सुबह में जो है वो परफ्यूम मिलती है या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे अनमता जो है चॉकलेट ली है और उठा आके खुद ही से लेके आके खड़ी हो गई कि मुझे ये लेना है। तो जी अनमता को लेकर देते हैं चॉकलेट, और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी चॉकलेट लूँ। ये ओरियो वाला ज़बरदस्त है, ओरियो बाइट्स, तो मैं ये लूँगी। और आपको सारी जो है वो शॉप दिखाते हैं, कितनी प्यारी प्यारी और ये यम्मी सी जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। हम लोग तकरीबन चिप्स और जूसेस और ये सारी चीज़ें लेकर आए थे, लेकिन फिर जब हम लोग ऐसी जगह पर जाते हैं तो आपको पता है कि बच्चों को तो जी चाहिए ही चाहिए चॉकलेट्स या बिस्किट्स। तो अनमता ने जो है अपने लिए, और अभी जी हो गया था लंच का टाइम, और नहीं डिनर का, सॉरी टाइम हो गया था, और हम लोग बना के आए थे जैसे कि मैंने आपको बताया था सीख कबाब, और लंच में जो है वो बिरयानी बनाई थी, और बच्चों के लिए कुछ ब्रेड लेकर आए थे हम लोग और गोभ वगैरह।
तो ये जी यहाँ पे है डिनर रेडी, भूख बहुत लगी है, अभी करते हैं एंजॉय। और उसके बाद हमने डिनर किया, तो उसके बाद जी हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए और सोचा कि आइसक्रीम खाई जाए, तो हम लोग आ गए बाहर। और ये देखें, ये इनकी सारी जो है ये फैशन शॉप और ये वाइन बार, और यहाँ पे ये बाहर जो है वो एक बंदा था, वो म्यूज़िक बजा रहा था, वो भी ज़बरदस्त था, बहुत ही स्मूथ म्यूज़िक था और अच्छा लग रहा था। और ये एक और शॉप में आ गए जी, यहाँ पे खूबसूरत से बर्तन पड़े हुए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे बर्तन थे, ये देखें कितने ज़बरदस्त। और मेरे हाथ में जो है बनाना था, क्योंकि नमता ने मुझसे लिया लेकिन खाया नहीं, फिर मैंने हाथ में ही पकड़ लिया। और ये खूबसूरत सी प्लेट्स और ये ज़बरदस्त सी चीज़ें मुझे लगी, लेकिन यहाँ से मैंने लिया कुछ नहीं, क्योंकि इतने सारे घर में बर्तन हैं और जब लेके जाते हैं तो फिर भाई जगह नहीं होती रखने की। तो हस्बैंड ने कहा कि पहले जगह बनाएं, पहले वाले बर्तन यूज़ करें उसके बाद। तो बिल्कुल सही बात है जी, बर्तन जो हैं बहुत सारे जमा हो जाते हैं तो फिर जगह रखने की जो है वो नहीं होती, मुश्किल होती है। यहाँ पे जो है इतने बड़े बड़े घर नहीं होते, और जाहिर सी बात है हमें स्पेस के हिसाब से चलना पड़ता है। अभी देखें खूबसूरत सी केप्स, और यहाँ पे अभी जो है हम लोग ले रहे थे आइसक्रीम और करते हैं एंजॉय आइसक्रीम। और जी हमने आइसक्रीम की एंजॉय, बहुत आया मज़ा। और नेक्स्ट जो था हमारा प्लान वो था म्यूज़िकल नाइट अटेंड करने का, तो वो हमने अटेंड की, बहुत ही मज़ा आया। तो जी ये यहाँ पे मैं एंड करूँगी व्लॉग को, और नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपको सुबह मिलूँगी इंशाल्लाह नाश्ते के टाइम। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का बहुत सारा रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़, और करें एंजॉय ये म्यूज़िकल नाइट। मिलेंगे सुबह में फिनलैंड में इंशाल्लाह।